गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान में बनने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो जीवों के ऊपर बनते हैं और जो अनोखे होने के साथ साथ विचित्र भी है, और इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे कि एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, यूडीसी, एलडीसी, एलआईसी एंड ऑल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो जीवों से जुड़े हुए हैं और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विचित्र क्वेश्चंस है। तो वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्वप्रथम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए ताकि जो हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और अधिक अच्छे से कर सके। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो पर, और वो है ऐसे अनोखे कौन कौन से जीव हैं जिनमें कुछ विचित्र लक्षण पाए जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा सर्प अजगर है। तो इसका आंसर है अजगर। अजगर विश्व का सबसे बड़ा सर्प है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनी नीली वेल स्तनी है और विश्व की सबसे बड़ी स्तनियों में गिनी जाती है। विश्व का सबसे बड़ी मछली जो है वो रिनोडॉन टाइफस सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा मोलस्का। विश्व का सबसे बड़ा मोलस्का है ज्वाइंट सिक्विड। विश्व का सबसे बड़ा मोलस्का है। विश्व का सबसे बड़ा सिलेंट्रेटा है जेलीफिश। जेलीफिश विश्व का सबसे बड़ा सिलेंट्रेटा है। और विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लिशिया का फूल विश्व का सबसे बड़ा फूल है। और सबसे बड़ा सरीसर्प की अगर बात करें हम तो टर्टिल ऐसा सरीसर्प है जो विश्व में सबसे बड़ा है। एक बार फिर से हम इन क्वेश्चनों को दोहरा लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सर्प अजगर, सबसे बड़ा स्तनीय अगर देखें तो नीली वेल, बड़ी मछली है रिनोडॉन टाइपस और बड़ा मोलस्का ज्वाइंट सिक्विड, सिलेंट्रिडा है जेलीफिश, फूल है रेफ्लिशिया का और सरीसर्प है टर्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले हमारे क्वेश्चंस है विश्व का सबसे बड़ा अंडा यानी ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे बड़ा अंडा देता है। तो उसमें आपका आंसर होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व का सबसे बड़ा अंडा है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय बर्ड भी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग एक स्थलीय पक्षी है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है विश्व का सबसे बड़ा फल, और विश्व का सबसे बड़ा फल जो है वो है लोडोरिशिया का फल। विश्व का सबसे बड़ा फल है विश्व का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अगर हम बात करें सबसे बड़ी पत्ती की, तो सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रोजिया की पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती होती है। और सबसे बड़ा पौधा सीओया डेंड्रॉन सबसे बड़ा पौधा है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनीय अगर हम बात करें तो हाथी विश्व का सबसे बड़ा स्तनीय है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन था विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी हाथी है, इसमें मिस प्रिंट है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे विषैला सर्प वो कौन सा सर्प है जो विश्व में सर्वाधिक विषैला है। तो ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर विश्व का सबसे विषैला सर्प है। सबसे विषैला भारतीय सर्प की अगर हम बात करें तो किंग कोबरा भारत का सबसे विषैला सर्प की प्रजातियों में आता है। विश्व की सबसे विषैली छिपकली की अगर हम बात करें तो हीलोडर्मा विश्व की सबसे विषैली छिपकली है। विश्व की सबसे विषैली मछली की अगर हम बात करते हैं तो स्टोन फिश विश्व की सबसे विषैली मछलियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व का सबसे पुराना प्राइमेट,
विश्व का सबसे पुराना प्राइमेट लीमर है। विश्व का सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो पेरिपेक्टिस विश्व का सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा है। विश्व का सबसे पुराना कपी अगर हम देखें तो गिब्बन विश्व का सबसे पुराना कपी है। और विश्व का सबसे पुराना स्तनीय एकेडिना स्तनीय विश्व का सबसे पुराना स्तनीय है। ऐसे ही इसी जीवों के क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की हमारे जो क्वेश्चन है उसमें है विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा। अगर हम विश्व के सबसे छोटे पुष्पीय पौधे की बात करें तो वोल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है। अगला हमारा प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा बीज आर्किड्स का बीज विश्व का सबसे छोटा बीज होता है। विश्व का सबसे छोटा कशेरुकीय जंतु पेडा का पिग्मिया विश्व का सबसे छोटा कशेरुकीय जंतु है। विश्व का सबसे छोटा स्तनधारी है छछुंदर विश्व का सबसे छोटा स्तनधारी है। विश्व का सबसे छोटा बर्ड हिमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा या सबसे छोटा बर्ड है या इसको सबसे छोटी चिड़िया भी कहते हैं। ये क्यूबा के हेलेना का पक्षी है। इसको मर्म पक्षी भी कहते हैं मीन्स हिमिंग बर्ड को मर्म पक्षी भी कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्म पक्षी या हिमिंग बर्ड कहाँ पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा स्तनधारी तो इसका आंसर है जिराफ। जिराफ विश्व का सबसे लंबा स्तनधारी है। और दांत रहित स्तनधारी चींटीखोर दांत रहित स्तनधारियों की श्रेणी में आता है। इन सब प्रश्नों के बाद हम चलते हैं मानव शरीर में जो अनोखे तथ्य है उनसे जुड़े क्वेश्चनों पर। हमने इसको बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश की है ताकि आपको सीधे सीधे नोट्स मिल सके। मानव शरीर में अगर हम अस्थियों की संख्या देखें तो वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है जबकि एक छोटे भ्रूण में 305 अस्थियां होती है। जैसे जैसे ये वयस्क होते जाता है इसमें अस्थियों की संख्या एक दूसरे से लिगमेंट यानी जॉइंट होकर अस्थियों की संख्या कम हो जाती है और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है हमारा छोटी अस्थि की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में स्टेपीच सबसे छोटी अस्थि है जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि की बात करें तो फीमर सबसे लंबी अस्थि है और ये मानव की जांग में पाई जाती है। कशेरुकाओं की बात करें तो हमारे शरीर में 33 कशेरुकाएं 639 पेशियां और सबसे लंबी पेशी की अगर हम बात करें तो सार्टोरियस मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है सिएटिका। सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है ट्राइजीमिनल तंत्रिका कोशिका। स्पाइनल तंत्रिका कोशिकाओं की अगर हम संख्या की बात करें तो ये 33 जोड़ी पाई जाती है और क्रेनियल तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या मानव शरीर में 22 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करें तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे चलते हैं इन्हीं तथ्यों पर। मानव शरीर में जो बड़ी आंत होती है अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। वही मानव शरीर में जो छोटी आंत की लंबाई है वो 6.25 मीटर की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यकृत का भार 1.4 केजी से 1.8 केजी तक होता है। मानव शरीर में वक्र का भार जो होता है वो 150 ग्राम होता है और मस्तिष्क के भार की अगर हम बात करें तो 1220 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच मानव शरीर में जो मस्तिष्क होता है उसका भार होता है।
शरीर के अगर तापमान की बात करें हम तो 98.4 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान होता है, और इसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर हम देखें रक्त में तो ये 13 से 16 GDL होती है। RBCs के अगर जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का RBCs का जीवन काल होता है। मानव शरीर से जुड़े तथ्यों में आगे हमारा क्वेश्चन है WBCs का जीवन काल। तो WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का। 2 से 5 दिन में WBCs का जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा वीडियो था इसमें ऐसे कई तथ्यों पर हमने सीधे नोट्स बनाने की कोशिश की है, जिनमें से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अपने इन वीडियोस को और अधिक बेहतर तरीके से और अच्छे से बना सकें और आपकी तैयारी में इससे हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।